तो भाई हुआ मैं, समझ गए। तो भाई वो गाना, ऐसा गाना है, आप लोगों को पता है मैं जो रिएक्शन वीडियो करती हूँ वो गानों पे, जो रिएक्शन वीडियो करती हूँ वो आती आती है, और जो मूवीज पे होती है वो मेरी रिव्यू वीडियो होती है। लेकिन ये गाना ऐसा था जिसपे मैंने रिएक्शन ना करके रिव्यू देना ज़्यादा सही समझा। तो वो ऐसा क्यों है आप लोग भी बहुत और बहुत अच्छे से जानते होंगे। कल हुआ मैं एनिमल मूवी का एक गाना रिलीज किया गया, एंड उस मूवी का एक नया एंगल हमको इस गाने में दिखाई दिया, क्योंकि अभी तक हमने ट्रेलर में सिर्फ एक ही चीज देखी थी, वो था एक्शन 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 और सिर्फ एक्शन। लेकिन रोमांस के मामले में भाई इस मूवी ने, सही बताऊँ, सबको पीछे छोड़ दिया मस्त से। कबीर सिंह को भी पानी भरेगा भाई इस मूवी के आगे, मैं कहना चाहूंगी इस मूवी के बारे में। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइज, मैं रीना खत्री आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शर्र रिएक्शन पे। तो भाई डायरेक्ट फैमिली के सामने, जब ये गाना मैंने शुरू में देखा, डायरेक्ट फैमिली सामने खड़ी थी एंड लड़का लड़की लगे हुए मस्त से, किसिंग सीन था काफ़ी, मतलब एक किसिंग सीन चल रहा था वो भी फैमिली के सामने। यही चीज़ बहुत ज़्यादा शुरू में ही एक ऐसी बोल्ड था, यू नो आई वाज लाइक कि, और भाई मतलब एक्सट्रीम रोमांटिक चीज़ें, मतलब जैसे कि फ्लाइट में जाना, खुद का प्राइवेट प्लेन, एंड एक बिल्कुल बर्फीले पहाड़ में जाके ना शादी करना, मतलब सोच से भी परे थी वही चीज़ें। आई मीन एक्सट्रीम रोमांटिक कहते हैं ना, एक फैंटेसी वर्ल्ड में, एक फैंटेसी वर्ल्ड को क्रिएट कर दिया है भाई इस गाने में। व्हाट अ स्टोरी लाइन भाई, मतलब इतनी तगड़ी, और जिसमें सिर्फ 2 मिनट 46 सेकंड का ये गाना था, और सही में गाना ये सबको फील हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा छोटा है। और सही बताओ, इस ये जो गाना है इसमें हिम्मत नहीं हुई मेरी, मैं रिएक्शन दे दूँ, पता लगा कोई पीछे से आ गया, और वही वही डलती है फैमिली देखती है भाई एनिमल का, तो पता नहीं मेरे घर वाले ज़रूर प्रॉब्लम कर देते। तो भाई उस चीज़ पर मैंने रिव्यू दे रहा ही ज़्यादा सही समझा। और रही बात इस मूवी की, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि मैं कह सकती हूँ इसका गाना अगर फैमिली के सामने नहीं सुना जा सकता तो ये मूवी फैमिली के साथ बैठ के कैसे देखी जा सकती है। बिल्कुल भी फैमिली ओरिएंटेड मूवी नहीं है आई थिंक सो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड सीन थे इसमें। और पता नहीं भाई इस मूवी के कितने पहलू और देखने बाकी है, एक्शन हो गया, रोमांस हो गया, अब पता नहीं क्या खुलने वाला है। और इसके और गानों का भी इंतजार है मुझे कि एक अलग अलग चीज़ें, यू नो, क्योंकि एक ऐसी चीज़ें जिग्सो पजल की तरह होगी ये मूवी, कि एक बार एक्शन दिखा दिया, फिर इतना ह्यूज रोमांस दिखा दिया। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है और वह है निडरता, चाहे इस मूवी का ट्रेलर हो चाहे इस गाने में हो, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, इतना ज़्यादा बोल्ड हो या तो मैंने कबीर सिंह को देखा है और क्या एनिमल को देखा है। तो भाई देखते हैं अब ये जानवर क्या कुछ गुल खिलाने वाला है, एंड खैर गाने में तो गुल खिलाई रखे हो काफी अच्छे खासे, वो तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। तो भाई सबसे ज्यादा तारीफ मैं एनिमल मूवी की टीम को करना चाहूंगी कि किस तरीके से इस चीज की हाइप क्रिएट कर रहे हैं। देखो ट्रेलर में रोमांस नाम का आर नहीं था, सारी की सारी, मतलब ट्रेलर की जो वीडियो थी सारी की सारी में फुल ऑन एक्शन भरा हुआ था। और अब एक्सट्रीम रोमांटिक एक सॉन्ग हमारे सामने रिलीज किया गया उसी मूवी का, तो पता नहीं अभी और कितने पत्ते खुलने बाकी है और क्या क्या होने वाला है इस मूवी में। वो एक अलग ही हाइप क्रिएट कर रहा है इस मूवी के बारे में, एंड नाउ आई एम एक्साइटेड। मतलब ट्रेलर को देख के तो जो था वो सो था, वो गाने को देख के और ज़्यादा हो गया कि भाई अब तो, यू नो, ये सही बताओ बिल्कुल थिएटर्स में भीड़ लगने वाली है मस्त से, एंड सेंसर बोर्ड की धज्जियाँ उड़ी है वो तो हम सबको ही पता है। तो भाई दैट्स माय रिव्यू वीडियो, आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, देन लाइक सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। मिलती हूँ कल एक और धमाकेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज गुड बाय।